फिफ्टी इस uh, चैप्टर के आपके एम भी हो गए थे और क्वेश्चंस भी 2.6 पॉइंट सिक्स तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे रिटर्न फॉर्म में भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे अब हमने ऑनवर्ड स्टार्ट करना है 2.7 से स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने ड्रा करना है हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्राम दिस ग्राफ और इस ग्राफ uh, से आपने बॉडी की स्पीड कैसे मेजर करनी है तो वो सारा आपने इसमें बताना है आंसर देखें यहाँ से पहले आपने स्टार्ट करना है मैं ना बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक स्टार्ट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है देन मूव कर रही है ऑनवर्ड उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन एक ड्रा होगी इस स्लोप गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसकी स्लोप हमें क्या बताएगी स्पीड ऑफ़ द ऑब्जेक्ट उस लाइन स्ट्रेट लाइन से हमने हम कि हमें क्या मिलेगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इधर तक लिख के आगे आप में आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर फोर्टी निकालें आप पेज नंबर फोर्टी इस पर एक टॉपिक दिया हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड जो टॉपिक दिया हुआ है आपको ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है जो थेरी मैंने पहले आपको जो पॉइंट बताया वो लिखने के बाद आपने कॉन्डर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ यहाँ से लेकर पेज नंबर फोर्टी वन पर आ जाएं ये सारा स्पीड स्पीड ऑफ़ द ऑब्जेक्ट स्लोप ऑफ द लाइन ए बी ये सारा बताना है यहाँ तक तो ये आपने जो पहले मैंने आपको एक लाइन बताई है वो लिखनी है उसके बाद आपने कंसीडर अ बॉडी से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है अगेन पेज नंबर फोर्टी पे आएँ और ये वाला जो ग्राफ है इसका द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग द कॉन्सटेंट स्पीड ये ग्राफ आपने इसके साथ लाजमी ड्रा करना है तो ये आपने कॉपीज़ पे लाजमी करना है उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट एट वट वुड वट वुड बी द शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड और बता रही हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का बताना है और बॉडी जो है वो क्या कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है इसका आंसर देखें वन अ when एन ऑब्जेक्ट does नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैन एंड स्पीड इज़ नॉट कॉन्सटेंट कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ यानी जितना डिस्टेंस उस कवर कर रही है उसी हिसाब से टाइम जो है उनका इक्वल नहीं होता तो आपके पास स्पीड जो है वो क्या होती है कॉन्सटेंट नहीं होती कॉल दोनों इक्वल नहीं हो रहे होते तो आपके पास वो क्या होते हैं स्पीड कॉन्सटेंट नहीं आ रही होती इन दिस केस अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि इस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यानी कि यह स्पीड टाइम ग्राफ जो आपके पास आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता यहां तक लिखने के बाद आपने बुक में देखना है बुक न, बुक पे, पे पेज नंबर फोर्टी वन पे देखें पेज नंबर फोर्टी वन इस पर देखें ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड ये वाले लिखना है आपने और इसका क्या करना है इसके बाद आपने यहाँ से लिखना है जो भी मैंने आपको बताया है उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी थ्योरी लिखनी है और साथ ही साथ ये ग्राफ ड्रा करना है सारा ग्राफ इसी तरह होना चाहिए यानी कि जिस तरह से ये बना हुआ है सब कुछ इसी तरह से होना चाहिए साथ ही साथ ये फार्मूला ये थेरी वगैरह सब आपने कॉपीज पे लिखने हैं क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑप्टेन फ्राम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी कहते हैं कि आपने स्पीड टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है क्या क्या मिलता है यानी कि इनिशियल स्पीड स्पीड आपने फाइंड करनी है उसकी फाइनल स्पीड उसकी फाइनल स्पीड बॉडी की फाइनल स्पीड फाइंड करनी है डिस्टेंस कवर इन अ टाइम टी और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है जितने जितने बॉडी ने जो है उसका डिस्टेंस कवर किया है उसमें उस दौरान जितना टाइम लगा है वो फाइंड करना है एंड एक्सलोरेशन ऑफ मोशन एंड एक्सलोशन ऑफ मोशन उसकी बॉडी की एक्सलोशन फाइन करनी है इसका आंसर क्या है आपके पास टू पॉइंट नाइन का आंसर है सेम है क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट एट यानी कि टू पॉइंट एट में जितना भी आपने मैंने आपको अभी बताया है टू पॉइंट टू पॉइंट नाइन और टू पॉइंट एट का आंसर जो है वो सेम है जैसे आपने टू पॉइंट एट किया है उसी तरह से आपने टू पॉइंट नाइन करना है दोनों के आंसर जो है आपके पास सेम हैं तो ये जितने भी पॉइंट आउट आपको यहाँ आंसर दिए हैं इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड वो इसी में से आपके फाइंड हो जाएंगे सो so, आपके टू पॉइंट एट और टू पॉइंट नाइन के आंसर सेम है जिस तरह से आपने टू पॉइंट एट करना है इसी तरह से आपने टू पॉइंट नाइन का आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट वन जीरो हाउ कैन वैक्टर क्वानिटीज़ बी रिप्रजेंटेड ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटीज आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेज नंबर थर्टी फोर देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स ये पूरा आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स और ये आपका आंसर भी बनता है टू पॉइंट वन जीरो का यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है फर्स्ट पैराग्राफ में यानी यहाँ तक आपने एक हेडिंग देनी है सिम्बॉलिक प्रजेंटेशन फ़र्स्ट पैराग्राफ़ के ऊपर एक हेडिंग देनी है सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन या उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आपने दोबारा हेडिंग देनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक लिखना है तो ये पूरा पैराग्राफ आपका टू पॉइंट वन जीरो का आंसर है और साथ ही साथ ये आपकी एक डायग्राम भी आपने बनानी है जो यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि ए टू बी एक वैक्टर साइन रिप्रेजेंट किया हुआ है एरोहैड से और साथ ही साथ इस आंसर के एक ये डायग्राम बनानी है उसके बाद क्वेश्चन देखें वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडिड एंड सब्टड लाइक द स्केलर क्वांटिटीज कि क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज जैसे हम स्केलर uh, क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को आप वैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते इसका आंसर देखें स्केलर क्वांटिटीज ओबे द रूल ऑफ अर्थमेटिक एंड ऑर्डनरी अल्जब्रा कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो कौन से रूल ओबे कर रही होती है अर्थमेटिक एंड ऑर्डनरी अजब्रा यानी कि जो आपके मैथ्स के रूल्स होते हैं सिंपल मैथ्स के रूल होते हैं अजबरा के, के और अर्थमेटिक यानी कि जो मैथमेटिकली आप रूल यूज़ कर रहे थे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के तो स्केलर क्वान्टी जो है वो उन रूल्स को ओबे कर रही होती है दैट्स वाई वो सिंपली एड हो जाती हैं सिंपली सिम्पली हो जाती हैं बिकॉज स्केलर कोंटिटटीज़ हैव नो डायरेक्शन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती इस वजह से वो कौन से रूल फॉलो कर रही होते हैं एंड ऑर्डनरी अल्जबरा के सो द वक्टर ओबे द स्पेशल रूल ऑफ द वैक्टर अजब्रा और वैक्टर कॉन्ट्रीज क्या करती हैं वैक्टर ओबे द स्पेशल रूल उनके स्पेशल रूल होते हैं वैक्टर अल्जबरा जिन्हें कहते हैं देयर फॉर वैक्टर आर एडेड बाई है uh, rule, इस वजह से वैक्टर जो हैं वो हैड टू टेल रूल के थ्रू जो है वो एड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट वैक्टर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन होती है इस वजह से वो है टू टे रूल्स के थ्रू जो है वो ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये आपका टू पॉइंट वन वन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपने कॉपी स्पेस को करना है पेज नंबर फिफ्टी फोर टू पॉइंट वन टू हाउ आर वैक्ट क्वान्टिट्टीज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन आवर डेली लाइफ कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से आप जो है वो आ, डेली लाइफ में एज अ uh, है आपके पास क्या रोल प्ले कर रही होती हैं तो वो आपने सारे उसके डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट्स लिखनी है तो ये आपकी होम एक्टिविटी है ये आपने खुद करके लानी है कॉपीज़ पे सब बच्चों ने करनी है और uh, अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन आपने ये कॉपीज़ पे करना है उसके बाद है टू पॉइंट वन थ्री ड्राइव द इक्वेजन ऑफ मोशन फॉम द यूरीफॉर्मली एक्सलेटेड लैक्टीलिनियर मोशन लैक्टीलिनियर मोशन यानी कि ड्राइव द इक्वेजन ऑफ मोशन जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ाई है पेज नंबर फोर्टी फोर पर देखें इक्वेशन ऑफ मोशन का जो टॉपिक आपको दिया हुआ है इसके इसके ऑनवर्ड आपने कौन कौन सी इक्वेजन फाइंड किए हैं पेज नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव पर देखें फर्स्ट इक्वेजन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेजन ऑफ मोशन एंड पेज नंबर फोर्टी सिक्स थर्ड इक्वेजन ऑफ मोशन तो जो क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट वन थ्री है उसका आंसर यहाँ से लेकर यानी कि फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेकर जितनी इसकी ये डेरिवेशन है साथ ही साथ इसका ये ग्राफ और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी डेरिवेशन जितनी मतलब कि इसकी कैलकुलेशन वगैरह है और आपने ग्राफ जो है वो जिस तरह से एरिया ऑफ़ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं तो आपने आगे उसके ग्राफ बनाना है कौन सा रेक्टेंगल है आपके पास किस तरह से आप उसको मेयर कर रहे हैं एरिया ऑफ़ ट्राइंगल आप फाइंड कर रहे हैं ट्राइंगल बनाना है यानी इसी ग्राफ के थ्रू आपने इसको जैसे मैंने आपको समझाया था उसी तरह आपने उसको आगे ट्राइंगल बना के उसकी कैलकुलेशन करनी है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो तो यहां से लेकर इसका बनता है पेज नंबर फोर्टी सिक्स यहां तक या yeah, ये आंसर है आपके पास टू पॉइंट वन थ्री का आंसर है टोटल यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने करनी है फर्स्ट भी और सेकंड भी तो टोटल आपका ये कॉपीज़ पे आपने लाजमी करना है और बताना है साथ साथ ट्रायंगल भी बनाना है ग्राफ भी लाजमी इसका बनाना है किस तरह से आप इसको फाइंड कर रहे हैं कौन कौन सा आप यहाँ पे पैरल ले रहे हैं या फिर आपने एरिया ऑफ ट्रपेजियम फाइंड कर रहे हैं तो किस तरह से फाइंड करें जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरह से अच्छे तरीके से आपने नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पर करना है इसको क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट वन फोर लास्ट क्वेश्चन है आपके पास स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ ड्रा करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इसके मोशन ऑफ द बॉडी बतानी है उसके अंदर फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग द ईच स्टेप कैलकुलेटिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कहते हैं कि उस ग्राफ से आपने ईच स्टेप बताना है ईच ईच स्टेप यानी कि हर उसमें से मोशन ऑफ द बॉडी कैसे आ रही है किस तरह से वेलोसिटी जो है वो कवर हो रही है टाइम का बताना है एंड कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी यानी कि टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना कवर्ड किया तो वो सारा इस ग्राफ के थ्रू आपने बताना है टू पॉइंट वन फोर का पेज 43 करें। इस जो एग्जाम्पल है टू पॉइंट एग्जाम्पल उसके आंसर में आती है यानी कि ये ग्राफ सारा ये सारे ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लोरेशन डिक्लेरेशन टोटल डिस्टेंस स्पीड ये सारा आ जाता है इसमें इस तरह से आप टू पॉइंट वन फोर का जो आंसर है वो यहां से लेकर पेज नंबर फोर्टी फोर पर देखें यहां तक इसका एंड होता है सब कुछ इसकी कैलकुलेशन आई हुई है आप इस एग्जाम्पल कोई अच्छे तरीके से रेडी कर लें तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा उसको आप कॉपीज पे ना करें इस क्वेश्चन को इसको इधर ही रहने दें बुक से ही करें आप देखें लेकिन आप इसके निशान लगवा लें कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है टू पॉइंट वन फोर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अच्छे तरीके से मतलब आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं ईच एंड एवरी स्टेप आपने करना है किस तरह से हमने उसकी जो है वो स्पीड फाइंड की है किस तरह से हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किस तरह से हम एक्सलोरेशन फ़ाइंड कर रहे हैं तो वो सारा आपने करना है तो ये इसका आंसर है टू का यहाँ टू पॉइंट का सॉरी आंसर है टू पॉइंट ओवरऑल आपकी पूरी एग्जाम्पल आती है इसमें ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है अगर क्वेश्चन आ जाता है या आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है तो आपके दोनों इसमें से कवर हो जाते हैं इसको आप कॉपीज़ पर रहने दें इसको आप कॉपीज़ पर ना करें और जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सब आपने कॉपीज़ पर करने हैं और साथ ही साथ आपकी एक होम एक्टिविटी भी मैंने दी है वो भी आपने करनी है इसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी